वेलकम बैक। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की और उस पर रणनीति समझाने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। घमासान मच गया है कमोडिटी बाजार में। कच्चा तेल 10% दो ट्रेडिंग सेशन में गंवा चुका है, क्या किया जाए यहाँ? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रेंड क्रूड का डाउन ही था और जिस तरीके से फेडरल बैंक का स्टेटमेंट था और जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंसर्न था, तो सभी जगह एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। दूसरी तरफ ईरान की न्यूक्लियर डील का कहीं पॉजिटिव आउटकम दिखा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो क्रूड की सप्लाई है वो बढ़ सकती है 1 मिलियन बैरल पर डे से, तो उसका एक प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी सेलिंग ट्रेंड ही रहेगा, नीचे एक्सपेक्टेड है। ब्रांड का भाव नीचे 90 से लेकर 87 तक लेवल दिखा सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो डाउनसाइड इंपैक्ट क्रूड में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि एमसीएक्स में करीबन 7,300 में बिकवाली करके चलें, 7,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,000 तक देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग प्रेशर क्रूड में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जरा बता दीजिए सोने चांदी में क्या किया जाए? सोना 6 हफ्ते के लोज पर है, चांदी तो 2.5 साल के निचले स्तर के करीब है, क्या करें? और देखिए, गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1710 के नीचे अब स्पॉट में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी देखे तो $18 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया है। हमें लगता है कि अभी जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा। यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 50,700 में बिकवाली करके चलें, स्टॉप लॉस 50,950 का लगाएं, टारगेट 50,200 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 53,500 में बिकवाली करके चलें, 54,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,700 तक हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि एक बार $17 तक के लेवल सिल्वर में और $1,680 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और बॉन्ड यील्ड देखें तो यूएसडी 2.5% के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रही है, तो उसका भी एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल्स पे क्या राय बन रही है? यूएस कॉपर वायदा सुबह सुबह हमने देखा था 1 महीने के लोज पर चला गया $3.50 के करीब, और एलएमई पर भी हमने कल देखा कि प्रेशर लेकर ही अधिकतर मेटल्स बंद हुए हैं, तो क्या माना जाए? ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये भी टूटेंगे, सेल बनता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर भी सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ताइवान की तरफ से जियो पॉलिटिकल टेंशन दिखी है और युद्ध वाली स्थिति दोबारा से उठती हुई दिखाई दी है, तो डिमांड कंसर्न यहाँ पर अभी भी है। हमें लगता है कि बेस मेटल में थोड़ा सेलिंग प्रेशर यह रहेगा, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। चाहे कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, लेड हो, सभी में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। कॉपर में पर्टिकुलर 655 के आसपास बिकवाली करके चलें, 661 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 640 तक देखने को मिल सकता है। ओके, रुपी में हमने देखा था कि ट्यूसडे जब क्लोजिंग हुई थी बड़े तगड़े स्ट्रेंथ को लेकर, और कई महीने बाद हमने एक दिन में इतनी जबरदस्त गेन्स बनते हुए रुपए में देखे, ये मजबूती जारी रहेगी या आज यूएसडी आईएनआर खरीद के चले? देखिए, हमें लगता है कि यूएसडी आईएनआर में खरीदारी करना चाहिए, डॉलर में स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एशियन करेंसी वीकनेस हुई है, चाइनीज युआन यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया, तो हमें लगता है कि रुपी भी यहाँ पे वीकनेस की तरफ रह सकता है। तो रुपी के अंदर करीबन 79.50 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 79.30 का रहेगा, टारगेट 79.90-80 तक हो सकता है। मीन्स रुपी के अंदर डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। साथ ही नेचुरल गैस 3 दिन के लिए, अब नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की सप्लाईज बंद हो गई हैं, नॉर्वे में प्लान्ड अनप्लान्ड आउटेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एनजी बाकी कमोडिटीज को देख के नीचे आया है, क्या लगता है ये खरीद का मौका है या अवॉइड? देखिए, ऑलरेडी जो सप्लाई वाला है फैक्टर हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो करीबन $10 के आसपास तक प्राइस गए थे और वहां पर सबसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और हमने कल भी एक गिरावट आती हुई देखी थी। हमें लगता है कि ये मार्केट भी सेलन राइज का ही रहेगा, 745-750 तक के लेवल मिलते हैं, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, 770 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 700 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरह क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, हमें लगता है कि सप्लाई का असर यहाँ भी रहेगा और यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में आज बिकवाली की, सेल की रणनीति अपनाकर चलने में ही समझदारी है। शुक्रिया।